ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप एंड मर्डर्ड। पूरी पुलिस फोर्स। You've been played, Shivani. फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है जहाँ पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रूच शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है जहां पर एक विचित्र मोड़ है।
राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उसे मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रूज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उसे मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रूज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी
है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़ित पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है
जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है। जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है, सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है,
फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताहित पाते हैं लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है जहाँ पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो
झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाना बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताहित पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है, तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है, तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी।
शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाना बनाता है क्योंकि शहर में शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है, ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाना बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और
मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है, इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बला भुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है, इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए
शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखर्बी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर
शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रूज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रूज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है।
वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारों को जरूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे
केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए
पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है। जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है, सनी डर जाता है। लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है।
नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी दो दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ दो दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए दो दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह दो दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाना बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताहित पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है, तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है। जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है, सनी डर जाता है। लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है, तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी भला बुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है, जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी दो दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ दो दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए दो दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह दो दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाना बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं,
जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताहित पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बला भुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है, ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखर भी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताहित पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं।
बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उसे मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है। जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है, सनी डर जाता है। लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बला भुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है, ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखर्बी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है।
राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी
है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है
जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़ित पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है। जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है, सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है,
फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताहित पाते हैं लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बला भुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो
झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाना बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्णी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है, तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी।
शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाना बनाता है क्योंकि शहर में शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वो बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बला भुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाना बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वो बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और
मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़ितायित पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रुज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। चूँकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है, तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल व बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बहरने से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़ितायित पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए
शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उसे मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रूच शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बला भुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है। फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है, जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है, क्योंकि शहर के उसके मुखर्बी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उसे मार देता है। उसकी हत्या करने पर
शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रूज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी। हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी, जो कि हत्यारा, जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था, शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे, वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवानी लहनिया को लाती है तो झुग्गी झोपड़िया से एक बच्चा है जो कि विस्फोट देख लेता है। सनी उसे भी वहीं पर मार डालता है। हत्यारे को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रह रही है। नाकामयाबी पर मीडिया के हंगामे के बाद शिवानी को कोटा में ट्रांसफ़र होना लगभग अब तय माना जाता है। क्योंकि नया अधिकारी 2 दिनों के बाद आएगा, शिवानी अपने साथियों के साथ 2 दिनों के भीतर ही अब सनी को पकड़ेगी ऐसा कहती है। उसके लिए 2 दिन अब काफ़ी है ऐसा भी वह मीडिया को कहती है तथा अगर वह 2 दिनों में अपना काम नहीं कर पाएगी तो वह वहाँ से चली जाएगी। शिवानी शेखावत के साथ शांति बनाता है क्योंकि शहर के उसके मुखरबी को नेटवर्क बहुत मजबूत है और वे अपने संपर्क में ले जाते हैं, जो बताता है कि कमल परिवार की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड युवा राजनेता बिल वाव बेनीवाल, जो कि एक सनी हिंदुजा का अभिनय है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ वाले कुंवर को गिरफ्तार कर लेती है और सनी के ठिकानों को खुलासा करने के लिए उसे बेहरानी से पीड़ित भी किया जाता है। सनी एक और मुखर महिला का अपहरण कर लेता है, लेकिन पुलिस अब उसे पकड़ लेती है। वह उसे पहले से ही बलात्कार एवं पीड़िताइत पाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित है और उसे बचाने में वह प्रतिबंधक करते हैं। बजरंग का अभिनय करते हुए सनी को शिवानी से गिफ्ट मिलता है। इससे पहले कि वह उसे गला घोट सके, शिवानी उसे रोकने में कामयाबी हासिल कर पाती है। फिल्म मर्दानी 2 की कहानी शुरू होती है शिवानी शिवाजी रॉय नामक की एक महिला पुलिस अधिकारी से। पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी रानी मुखर्जी ने 2015 में अपनी यूएसई परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बनने का फैसला किया। फिल्म की कहानी राजस्थान में घुमाई जाती है, जहां पर एक विचित्र मोड़ है। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय मनोरुग्नी सनी, जिसे विशाल जेठवा ने रोल निभाया है, एक खूंखार युवती तलिका का अपहरण वह कर लेता है। बाद में वह उसे बहरे में से पीड़ित करता है और उस पर मार देता है। उसकी हत्या करने पर शिवानी, जिसे कोटा की नई पुलिस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह यह केस अपने अंदर में लेने की कोशिश करती है। वह अपराध स्थल पर जाकर पहुंचती है तथा वह अपने अधीनस्थ डीजीपी ब्रूज शेखावत से भी भिड़ जाती है, जो कि महिला विरोधी है तथा वह महिला को कुछ खास समझता नहीं है। हत्या की क्रूरता शिवानी को काफ़ी परेशान कर देती है। शिवानी सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और उसे हत्यारे को पकड़ने के लिए अधिक दृढ़ बनाती है। वह संकल्प लेती है कि वह जल्द से जल्द हत्यारे को ज़रूर पकड़ेगी।
हाँ, अलग बात होती है कि इसमें काफ़ी चुनौती थी। सनी जो कि हत्यारा जो वास्तव में राजनेता गोविंद उर्फ पंडित जी द्वारा एक हत्या के प्रतिबंध पर मेरठ से कोटा आया था। शिवानी को टीवी पर वह देखता है जब वह सार्वजनिक तौर पर लतिका की हत्यारों को खोजने का सबके सामने वादा करती है। सनी डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा उसे अब गुस्से ज़्यादा आता है, क्योंकि इससे पहले जो भी अधिकारी एवं पुलिस उससे केस में काम कर रहे थे वह उससे डर कर वह केस छोड़ देते थे या फिर केस को बंद कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। शिवानी उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करती है तथा मीडिया के सामने उसे काफ़ी बलाभुरा भी करती है। इससे परेशान सनी उसके घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे ताना मारता है, फिर वह कपड़े पहनता है जैसे एक महिला पत्रकार को धोखा देती है और उसे वह मार देती है। वह एक आत्मघाती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आभा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाले प्रवीण को भी काम पर रखता है। फिर उस पर नज़र रखने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में प्रवीण की जगह वह ले लेता है। खुद के नाम को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है जिसका नाम बजरंग बताता है। जब शिवा